भाई मौसम ने लगा दी भाई अचानक से ही। ओ माय मिजी बंद है क्या? द व्हिच शो इलीगल जाने वो भाई है ना, इलीगल लेके जाने की वो कर रहे हैं ना, पर हमें जाना नहीं। नो नो मच बिकॉज़ इट इज फॉरबिडन एंड आई एम अफ्रेड दैट समथिंग विल हैपन टू अस। यस भाई कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे अलमाटी में, और अगर मैं जगहों के बारे में बताऊं तो यार जो हमारी लिस्ट में थी ना उसमें से एक हमारे को कैंडी लेक बची है। चलिए वैभव जी बताइए हम कैंडी लेक क्यों नहीं गए? ओ कैंडी कैंडी पों कैंडी चैन। अब असली में बताया यार हम कैंडी लेक क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने जो पैकेज लिया था उसमें ब्लैक कैनियन, मून कैनियन, सिल्वर कैनियन सारे आ गए थे। शारिन कैनियन है ना? वही वही, तो ये सब आ गए थे, तो इसलिए उसने कहा ये वाला उसके पास पैकेज था, तो हमने पढ़ा ही नहीं कि इसमें कैंडी लेक लिखा ही नहीं था। लेकिन कल वाला बंदा भी यही कह रहा था, हमने ना कोलसाई लेक देखी है, कोलसाई लेक बेटर है कैंडी लेक से। कैंडी लेक को ना संकन फॉरेस्ट भी कहते हैं, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी, ऐसा कुछ दिखता है भाई वो, तो आप देख लेना। क्योंकि ना जो जो टूर जा रहे हैं वो 3-4 जगह कवर करते हैं, और ये सारे टूर्स हैं 5-5 घंटा दूर अलमाटी से, सुबह सुबह निकल जाते हैं, 300 किलोमीटर का आना जाना है। हाँ, तो इसीलिए हमने देखा नहीं कि हमने कैंडी लेक वाला चूज़ नहीं किया था। और वैसे भी कैंडी लेक में हाइकिंग है, जो कि सुनने में ऐसा ही आया कि थोड़ी हार्ड है, राइट? तो कोई बात नहीं, नहीं गए। और जनरली भाई जो टूर्स लेके जा रहे हैं ना लोग, वो कैनियंस दिखाएंगे आपको और उनमें से एक लेक, पर आपको डिसाइड करनी पड़ेगी 3-4 जगहें कि भाई हमें इधर जाना है। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है कि यार आप अकेले एक लेक जाओ, कोलसाई लेक जाओ या कैंडी लेक जाओ, क्योंकि सब आसपास ही है। तो भाई देखो मेरे पास तो है यार ग्लोबल सिम, मेरा तो हर देशों में चलता है, पर इनसे जानते हैं कि कौन सा सिम बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने तो सारी कंपनी के लेके देख लिए होंगे। सबसे अच्छा लगा इसमें टेलीटू का 5G नेटवर्क आ रहा है, अगर आपका 5G फोन नहीं है तो बीलाइन भी बहुत अच्छा है। बीलाइन यार लेकिन वर्क नहीं कर रहा था बहुत जगहों पे। हाँ, कुछ कुछ जगह आती हैं जहाँ नहीं करता, पहाड़ों टाइप में। हाँ हाँ, बाकी टेलीटू करता है मोस्टली प्लेसेस में। भाई तो अभी हम जा रहे हैं फिर से ग्रीन बाजार, क्योंकि कल जब हम गए थे वहाँ पे तो यार बंद था वो। ये देखिए भाई, मैं उस दिन तो नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को कि यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स हैं और कितना ज़्यादा मतलब आपको वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पे। आपको ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग पूरा सेक्शन मिलेगा, कपड़ों का अलग है, जूतों का अलग है, किचन यूटेंसिल्स वगैरह का अलग है, सब चीज़ों का आपको मिलेगा। इवन वो भी है मीट वगैरह, फूड, स्पाइसेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। A few moments later. भाई मौसम देखिए आप, ओ मैन भाई मौसम ने लगा दी भाई अचानक से ही, पीछे देखो। ये देखिए यार आप मौसम देखिए, तूफान आ गया है, विजिबिलिटी कम हो गई, और वैसे रोशनी रहती है यहाँ पे, लेकिन अब देखिए बादल आ गया, तो भाई 6 बज रहे हैं और हाँ अंधेरा हो गया, और वो देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं लेक इसिक, जो कि यहाँ से 2 घंटा दूर है। और भाई ये जो लेक इसिक है ना, जितना हमने देखा है उससे इतना पता चला है कि लेक इसिक अपना बिग अलमाटी लेक से शायद ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यार बिग अलमाटी की जो लेक है ना, वो बिगल माटी की जो हाइक है, आई मीन वो काफ़ी हार्ड है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत टाइम लगता है ऊपर और नीचे जाने में, एक साइड का ही उनका 5 घंटा है, लेकिन लेक इसिक में इतना नहीं है। तो भाई अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, 2 घंटे लगेंगे हमें जाने में। और यार आप जहाँ भी जा रहे हो ना अपनी जैकेट वैकेट साथ लेके जाना, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बदल सकता है, ठीक है?
Što хорошо, бегал мата лек, озера или Исик лек? Исик. Исик? You will walk to the Begal Mati Lake or hire a car? It's too expensive. यही कह रहे हैं ये. कह रहे हैं यहाँ पे traffic jam tourist attraction बन चुका है. और ये कह रहे हैं मैंने इंडिया के भी YouTube videos देखे हैं. बहुत ज़्यादा जैम होता है. लेकिन ये इंडिया के comparison पे क्या ही जैम है? भैया टैक्सी वाले भैया इतने स्वीट है ना. आकाश का. इन्होंने हमको चॉकलेट ला के दी. The history of this chocolate is 74 years. At one time, it was considered the best chocolate in USSR. Bhai, wow. Как вас зовут? My name is Aslan. Aslan. Aslan Pratap Singh. Pratap Singh? Go in. Много деньги. Много? А, мало. Скидка. ये कह रहे हैं 80s और 90s में बॉलीवुड फिल्मों का इतना क्रेज था ना कि भाई उनके गानों पे नाचते थे लोग, लाइन में लगते थे मूवीज देखने के लिए. मतलब इतना क्रेज था. सीचस बॉलीवुड इज बस ने. अब तो इतना बॉलीवुड फिल्में नहीं देखते हैं. टर्किश, कोरियन पॉप, टीवी सीरीज ये सब ज़्यादा चलता है. लेकिन पुराने ज़माने में बॉलीवुड यहाँ पे बहुत फेमस हुआ करता था. तो खरा शो अस्ताना इले अलमाती. Almaty. Okay. Almaty, very beautiful. Very beautiful. Astana, very cold. Very cold. Okay. Krasiva. देख रहे हैं आप. और ये भैया ही मुझे बता रहे हैं कि यार ये देखो यहाँ पे फोटो खिंचाओ तुम. अब भैया ने गाड़ी रोक दी है. हेलो. हेलो. Чипс в машине. Только с пачкой вместе. Only with the pack together, right? Там мы варка хаенге. Да, ты чипсовый бодибилдер. Чипсы. Чипсы. भाई चेक पोस्ट आया है हमें अभी पे करने को मांगता है. कह रहे हैं अभी पता चलेगा कितना पे करना है. इनको नहीं मालूम कितना पे करना है. अस्सलाम वालेकुम. अलमैमजी. बंद है क्या? Да, вы чё? तो यार ये आज इजिक लेक तो पहुंच गए थे चेक पॉइंट पे लेकिन ये बंद है एवलांचेस की वजह से और हमारी सेफ्टी के लिए ही बंद कर रखा है इन्होंने. आगे कोई नहीं जा सकता है. हेलो. नमस्ते. वी आर फ्रॉम इंडिया. हाय देयर. ये भैया हेलो बोल रहे हैं स्पेशली चेक पॉइंट वाले. कहाँ चला बस? इलीगल जाने वो 40,000 ही पड़े एग्जैक्ट. बेटर लेट्स मूव ऑन. भाई ये ना इलीगल लेके जाने की वो कर रहे हैं पर हमें जाना नहीं. नो नो. यस नो. या नो. दैट्स टू मच. टू मच बिकॉज इट इज फॉरबिडन एंड आई एम अफ्रेड दैट समथिंग विल हैपन टू अस. यस यस यस. आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू टेक रिस्क. या ऑफ कोर्स. या भाई यार हम इजिक लेक तो नहीं जा पाए लेकिन ना ये भैया बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यार अब इतना दूर आए हैं 2 घंटा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यू तो मिल ही जाए. तो अभी इन्होंने एक यहीं पास में रोका है. भाई अब हम 2 घंटा वापस जा रहे हैं. कोई बात नहीं नहीं जा पाए यार क्योंकि यार सेफ्टी कंसर्न्स थे. एवलांच का रिस्क है इसलिए उन्होंने बंद कर रखा था और वो इलीगली 30,000 टेंगे लेके ऊपर जाने को बोल रहे थे. हमने मना कर दिया और इन्होंने भी हमें बोला कि मत ही जाओ यार तुम्हारे लिए रिस्क है तो मत जाओ. तो हमने कैंसिल कर दिया. अब हम वापस घर जा रहे हैं 2 घंटा. आई वॉच योर लीडर एज ही कंस्ट्रक्ट्स कन्वर्सेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल. आई रियली लाइक द वे ही कैरीज हिमसेल्फ. द पर्सन हु ऑलवेज स्माइल्स. अरे भाई मोदी जी. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर कंट्री इज द यूनिटी ऑफ योर पीपल. यस. आई सी हाउ इन द फ्यूचर यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. नहीं स्पसिबा. व्यू देखें आप कितने बढ़िया आ रहे हैं यहाँ से. ऑसम. खंडर. वे कौन सा रास्ता आ गए जो स्टॉप है आगे बंद है ये. ओ व्हाट देयर वाज मोस्ट लाइकली अ हरिकेन हियर. तभी भाई पूरी रोड टूट गई है. भाई तो ये बता रहे हैं कि 4 वाइफ्स यहाँ पे जनरली अलाउड हैं
और जैसे हमारे इंडिया में होता है दहेज ना, वैसे यहाँ पे उल्टा होता है, लड़कों को पे करना होता है भाई, और कह रहे रैंसम अमाउंट क्योंकि यू आर स्टीलिंग द वाइफ, दैट्स व्हाई. ओके, यहाँ कह रहे हैं भाई कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो, और यहाँ यही बता रहे हैं कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ देम ऑफ कोर्स आर मुस्लिम्स. भाई ये जो आप सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना भैया, यही बता रहे हैं कि अर्थक्वेक के टाइम ये ऐसे हिलने लगती है ना. तो मैंने इनसे पूछा कि यार ये बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ बनाई है क्या, तो कह रहे हैं कि 15 फ्लोर डाउन तक इनको बरी कह रही हूँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सेसमिक जोन है वो अनस्टेबल है, अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग को. भाई एनीवे अब हम पहुँच गए हैं घर वापस, ऑलमोस्ट 3:30 हो रहे हैं आई गेस, यस 3:30 हो रहे हैं. चलो भाई अब भैया को बाय कहने का समय है. अरे 2000 का स्कीड का दिया है खराशो, वो शो इस पास आज तो लेकिन कुछ हो नहीं पाया, लेकिन कैब ड्राइवर से काफ़ी बातें करी, काफ़ी जानकारी ली कजाकिस्तान के बारे में. तो गाइस अपने एक और फील्ड अटेम्प्ट के बाद हम लोग घर आ गए, पर इट्स ओके, हमारी सेफ्टी के लिए वो सही था. तो आई थिंक अलमाटी में अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हमें करना रह गया है, सो प्रॉबेबली परसों हमें निकलना है. अगर कुछ मिलता तो मैं ब्लॉग करती हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट ब्लॉग तो आपको सीधा दिखेगा वापस इंडिया जाने का. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द.